Hello students, in the last video we were discussing about different types of obsessive compulsive disorder. तो अभी तक हमने obsessive compulsive disorder जो है जो कि anxiety disorder का एक type है उसका हमने symptoms के बारे में discussion किया है और उसके different types के बारे में discussion किया है. अब इस video में हम बात करेंगे इसके कॉजेज या कॉजल फैक्टर्स, यानी कि इसके होने के जो संभावित कारण होते हैं, कारक होते हैं, वो कौन से हो सकते हैं. ठीक है, तो उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले विल टॉक अबाउट बायोलॉजिकल फैक्टर्स या जिनको कहेंगे जैविक कारक. अब किसी भी चीज़ के बायोलॉजिकल फैक्टर या जैविक कारक जो है वो कौन से होते हैं जो कि व्यक्ति की अनुवांशिकता से रिलेटेड होते हैं, उसके शरीर से रिलेटेड होते हैं, मतलब उसकी जो ओरिजिन होता है किसी चीज़ का वो उसके बायोलॉजी में या उसकी जैव संरचना में निहित होता है. तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर जो है जब भी कभी हम बात करेंगे तो उससे आप समझ लीजिएगा कि ये या तो अनुवांशिक होते हैं या ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की बॉडी की संरचना में या स्ट्रक्चर में स्थित होते हैं. तो ये देखा गया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स या जैविक कारकों का भी बहुत महत्व होता है. और जो लोग ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे तो देखा गया कि उनके 30% रिलेटिव्स जो हैं वो भी इससे सफ़र कर रहे थे. ऐसे रिलेटिव्स जो जिनका और उसके साथ ब्लड रिलेशन हो, मतलब जो बिल्कुल डायरेक्टली उससे रिलेटेड थे, जैसे माता पिता, भाई बहन, या उनके फर्स्ट कजन्स, चाचा ताया, बुआ मौसी, उस तरह से. ठीक है, जो ब्लड रिलेशंस जो थे. तो ये जो रिसर्च था इट वाज बेस्ड ऑन लेनाने, जिसने 1990 में ये बताया था कि 30% जो रिलेटिव्स हैं इनके ओसीडी पेशेंट्स के वो भी इससे पीड़ित थे, ओसीडी से पीड़ित थे. देन मैकियन एंड मरे इन 1987 उन्होंने ये पाया कि जो ये थे ओसीडी पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स थे उनमें किसी ना किसी तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर भी मौजूद था. मतलब 30% जो है वो चांसेस, ये 30% ये पाया लेनाने ने कि जो ब्लड रिलेशंस थे उनमें ये डायरेक्टली ओसीडी पाया गया. और फिर एक और रिसर्च जो कि इन्होंने मैकियन एंड मरे ने 1987 में की थी उससे ये पता चला था कि कोई ना कोई एंजाइटी डिसऑर्डर जो था वो उसके जो रिलेटिव्स थे ब्लड रिलेशन में जो लोग थे उनमें पाया गया. कोई ना कोई टाइप या ओसीडी था या कोई और फोबिया हो सकता है या पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है या जो हमने डिफरेंट जब एंजाइटी डिसऑर्डर हमने बात की थी तो हमने बोला था कि कई तरह के ये हो सकते, तो उनमें से कोई भी जो है उसमें मौजूद पाया गया उनके रिलेटिव्स में. देन ये भी पाया गया कि जो जैव औषधि है, जो रिसर्च है, बायोमेडिकल रिसर्च है, जब वो की गई ओसीडी के विषय में तो ये पाया गया कि ओसीडी जो है एक ब्रेन डिजीज़ है, एक मस्तिष्क संबंधित एक रोग है. और उसके एविडेंस में या उसके साक्ष्य के रूप में, उसके प्रूफ के रूप में डिफरेंट बातें जो है वो सामने आई. तो बायोमेडिकल रिसर्च या जैव औषधीय रिसर्च जो है उसके नतीजे जो हैं वो हमें क्या बताते हैं. और उससे ये पता चला कि ये जो है कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं. बायोमेडिकल रिसर्च से ये पता चला और उसके एविडेंसेस जो हैं वो इस तरह से हम देख सकते हैं. तो सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिकल साइंस या तंत्रिकीय चिन्ह जो हैं वो कई देखने को मिलते हैं ओसीडी के पेशेंट्स में. ये देखा गया है, ऐसे सबूत मिले हैं कि जो ओसीडी है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन ट्रॉमा, मस्तिष्कीय आघात से जो है उससे भी उत्पन्न होता है. किसी तरीके का
ब्रेन को डैमेज हो जाए, ब्रेन में चोट लग जाए, इंजरी लग जाए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, उस तरह की घटनाओं में ये देखा गया, जब ब्रेन ट्रॉमा हुआ तो ये देखा गया कि उसके बाद पेशेंट्स लोगों में ओसीडी के लक्षण उत्पन्न हुए। अ बॉय विद ब्रेन इंजरी वॉज ऑपरेटेड सर्जिकली हु लेटर डेवलप्ड कंपल्शन इन हिज बिहेवियर। देन देयर वॉज अनदर एग्जाम्पल जहाँ देखा गया कि एक बच्चा जो जिसको ब्रेन इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया या किसी तरह से मस्तिष्क में चोट लग गई, गिर गया, एंड उसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया, एंड ये देखा गया ब्रेन इंजरी के लिए ऑपरेशन किया गया उसको ट्रीट करने के लिए, तो ये देखा गया कि आफ्टर दैट ब्रेन इंजरी एंड ऑपरेशन उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो उसके लक्षण डेवलप हो गए। वो जो था ये पाया गया कि वो बार बार हर चीज़ को 7 बार गिनता था, है ना, 7 times ही यूज़ टू काउंट एनी थिंग, 7 times किसी चीज़ के नाम लेता था, 7 o'clock पे वो खाना खाता था, मतलब 7 से उसका कुछ ना कुछ ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑफ ब्रेन ट्रॉमा एंड ऑपरेशन। तो ये भी एक पता चला कि कहीं ना कहीं इसका मतलब इसके स्नायु तंत्रिकीय या मस्तिष्कीय जो चिन्ह हैं वो भी देखे जा सकते हैं ओसीडी के पेशेंट्स में। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जब ब्रेन में कोई एरिया डैमेज होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओसीडी जो है वो पेशेंट्स में लोगों में हो सकता है। देन सेकंड जो प्रूफ है इसका बायोमेडिकल रिसर्च का, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर से संबंधित है, शरीर की संरचना प्रभावित होती है तो ओसीडी हो सकता है, तो सेकंड जो उसका प्रूफ है वो ब्रेन स्कैन एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, यानी कि मस्तिष्कीय स्कैन असामान्यताएँ। अब मस्तिष्क का स्कैन जैसे एक्सरे होता है ना, तो उस तरह के चीज़ें जो है मस्तिष्क के लिए, सीटी स्कैन्स हैं ना, आपने नाम सुना होगा, तो उस तरह के स्कैन्स जो हैं एमआरआई स्कैन्स हैं, सीटी स्कैन्स हैं, ये पाया गया कि जब ये स्कैन किए गए ओसीडी के से पीड़ित लोगों के, तो ये देखा गया कि उनके ब्रेन में कुछ एरियाज थे, कुछ हिस्से थे, पार्ट्स थे, रीजन्स थे जो ओवर एक्टिव थे, अति क्रियाशील थे, ओवर एक्टिव थे, और उन एरियाज़ को वो कुछ एक उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो एरिया था दैट वाज CST, है ना। तो जो ये CST एरिया था ये पाया गया कि ख़ास तौर से ये ओवर एक्टिव था, जिसको इसका फुल नेम है कॉर्टिकल स्ट्रिएटल थैलेमिक रीजन। तो ये जो कॉर्टिकल स्ट्रिएटल थैलेमिक रीजन था, या CST शॉर्ट में बोल सकते हैं, तो इट वाज फाउंड टू बी ओवर एक्टिव इन द पेशेंट्स ऑफ OCD। और ये कैसे पता चला? थ्रू ब्रेन स्कैन्स। स्कैन्स कौन से? सीटी स्कैन या MRI स्कैन्स या और कई तरह के और स्कैन्स भी होते हैं, तो बट कॉमनली नोन स्कैन्स आर दीज। अब जो ये एरिया है, जो ये CST रीजन है, ये क्या करता है? ये अननेसेसरी जो रेपिटिशन होता है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन का और बिहेवियर का, जो फजूल की इन्फॉर्मेशन होती है जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, असंगत होती है, है ना, जिसका जो बेतुकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल करता है, और किसी चीज़ के रेपिटिशन को, किसी चीज़ के अननेसेसरी रेपिटिशन को ये कंट्रोल करता है, किसी चीज़ के अननेसेसरी पुनरावृत्ति को ये कंट्रोल करता है। तो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है इसके CST के वो देखने में आते हैं, एक तो ये कि ये अननेसेसरी रेपिटिशन को कंट्रोल करता है, किसी बार बार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति अनावश्यक रूप से जो होती है उसको नियंत्रित करता है, और दूसरा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को भी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो बेकार की है, इररेलेवेंट है, बेतुकी है। अब जब ये जो है ओवर एक्टिव हो गया, ये CST, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई, कंट्रोल करने की जो उसकी क्षमता थी उसको कम हो गई, रादर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ये चीज़ें, तो उसकी वजह से ही व्यक्ति OCD में चीज़ें
बार बार सोचना, बार बार कुछ काम करना, वो सारा उसमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रूफ है कि इसके बायोलॉजिकल बेसिस है या कुछ इसके जो इस चीज़ ओसीडी जो है उसके लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। देन थर्ड प्रूफ है एविडेंसेस फ्रॉम ड्रग थेरेपी। औषधीय चिकित्सा से मिले हुए सबूत भी जो है वो हमें बताते हैं कि ये जो है इसके बायोलॉजिकल कारण हैं। अब जो औषधीय चिकित्सा का मतलब है, अगर कोई रोग जो है, अगर कोई डिजीज़ जो है वो किसी दवाई के प्रयोग से, किसी ड्रग के प्रयोग से, किसी मेडिसिन के प्रयोग से कंट्रोल होता है या ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसमें से ये निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं उसका जैविक आधार था, कुछ अंदर ऐसी कमी थी, कुछ केमिकल्स की, कुछ कंपाउंड्स की, कुछ एलिमेंट्स की जो उस दवाई के माध्यम से पूरी हो रही है, या कोई इम्बैलेंस था, असंतुलन था जो उस दवाई के माध्यम से बैलेंस हो रहा है। तो इसीलिए जब भी हम कोई मेडिसिन खाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो प्रॉपर रिसर्च से बनी होती हैं कि ये जो है इसका ये कारण होता है इस बीमारी का, तो उसमें अगर हम ये मेडिसिन खाएंगे तो वो उस उन चीज़ों को बैलेंस कर देगा जो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ ड्रग से ठीक हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शारीरिक उसका आधार है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है कि कहीं ना कहीं शरीर से जुड़ा हुआ है ये रोग, क्योंकि मेडिसिन से ये कंट्रोल हो रहा है या ठीक हो रहा है, काफ़ी नियंत्रित हो रहा है। ऐसी ही एक मेडिसिन है क्लोमिप्रामाइन इज अ मेडिसिन जो इसके लिए दी जाती है। बेसिकली इट्स एन एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन के लिए है ये मेडिसिन, जो डिप्रेशन को भी क्योर करती है, क्लोमिप्रामाइन जो मेडिसिन है। बट इट इज़ फाउंड दैट दिस मेडिसिन इज सक्सेसफुली ट्रीटिंग और कंट्रोलिंग द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। तो ये सारी बातें हमें ये बताती है, चाहे वो ये न्यूरोलॉजिकल साइंस हो, चाहे वो ये अपना ब्रेन स्कैन एबनॉर्मेलिटीज़ हो, या एविडेंसेस फ्रॉम ड्रग थेरेपी हो, ये सारी चीज़ें हमें ये बताती है कि ओसीडी जो है वो हमारे, इसका संबंध जो है वो हमारे या व्यक्ति के बायोलॉजी से, या शारीरिक संरचना से, शारीरिक असंतुलन से जो है उसका कहीं जैविक असंतुलन से उसका कहीं ना कहीं संबंध है। या फिर जैसे हमने बात की पहले कि उसको आनुवंशिकता का भी इसमें रोल है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स का जो सबसे पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि आनुवंशिकता का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि 30% रिलेटिव्स जो हैं वो भी सफ़र कर रहे थे इनके, कहीं ना कहीं इसका मतलब आनुवंशिकता इसके लिए है, हेरिडिटी इसके लिए, जेनेटिक्स इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। और फिर साथ साथ ये भी पाया गया कि कोई ना कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर था, ब्लड रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी आनुवंशिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो पैटर्न जो है वो जीन्स में है, या आनुवंशिक उसका जो विरासत है उसमें ये कहीं ना कहीं निहित है। तो ये सारे जो थे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं फॉर द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर विल टेक सम मोर फैक्टर्स, द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो पुट योर अटेंडेंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।